अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जख्म की आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि सिकंदर सीमा के घर आता है और इससे साहिबा के बारे में पूछता है, लेकिन सीमा कहती है कि अब सिकंदर इस घर में ना आए क्योंकि अरीज अब यहाँ नहीं है। सिकंदर कहता है कि अगर आपकी एक बेटी ने मेरा नुकसान किया है तो इसकी भरपाई आपकी दूसरी बेटी को करनी चाहिए, लेकिन सीमा सिकंदर को साहिबा का नाम भी नहीं लेने देती। सिकंदर घर जाता है तो इसकी पहली बीवी एमन भी इससे मिलने के लिए इसके घर इंतजार कर रही होती है। अरीज अपनी जॉब के सिलसिले में फाइल उठाकर बाहर जा रही होती है तो रास्ते में अफान से टकरा जाती है। बाद में अरीज नाजिश को कॉल करके कहती है कि नाजिश अपने बॉस से पूछे वो क्यों अरीज से टकराया था, उन्हें इसके सामने आने का कोई हक नहीं था। अरीज कहती है कि उसे अफान के चेहरे में अपनी तबाही नजर आती है और असियत में गुजरा हुआ हर दिन और हर रात याद आती है। अरीज को नहीं मालूम कि जिसे वो नाजिश समझकर फोन पर बात कर रही थी वो अफान है। अफान चुपचाप अरीज की सारी बातें सुन लेता है। अफान घर जाता है तो सालिया को बताता है कि सिकंदर और अरीज की तलाक हो गई है और वो अपनी माँ से कहता है कि अफान का रिश्ता लेकर अरीज के घर जाएं। हो सकता है अब सालिया इस रिश्ते के लिए राजी ना हो, लेकिन अफान अपनी माँ को आहिस्ता आहिस्ता मना लेता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।